और एक नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं लक्ष्मण सर, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइवो कंपनी का तरफ से और एक 15 इंच 4K UHD स्मार्ट LED टीवी जो इंडिया के अंदर में लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो प्राइस रखा गया है 44,000, जी हाँ 43,000 999। तो क्या इस टीवी 15 इंच का 4K UHD स्मार्ट LED टीवी 44,000 में 2021 में परचेज करने का कितना जरूरत है? क्या आप इस टीवी को बाय करने के लिए सोच रहे हैं या इस टीवी का अल्टरनेटिव क्या है? आइए जानते हैं इस टीवी का बारे में डिटेल्स। साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा, जैसे कि बताया, इस टीवी का अल्टरनेटिव यानी अगर आप इस टीवी को बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो थोड़ा पूरा देख लीजिए। मैं आपको ये भी बोला सर, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए सो दैट आपको समझ में आएगा। अगर इस टीवी को आप बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हो तो इसका अल्टरनेटिव भी क्या है, जैसे कि बताया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक चीज जो है इसमें आपको एक चीज बताया नहीं गया है स्पेसिफिकेशन के अंदर में, मैं आपको वो भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, आप देख रहे टेक डिवीजन, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप इस चैनल पर नॉट ओनली न्यू टीवी अपडेट्स, इस चैनल पर आपको बहुत सारा टीवी के साथ आपको कंपैरिजन वीडियो मिलता है, अनबॉक्सिंग मिलता है, प्रोस कॉन्स हम लोग जो है खुद प्रोडक्ट बाय करके यानी टीवी बाय करके आपके साथ ओरिजिनल जो भी चीज़ है, मतलब जो एक्यूरेट हो, जो यूजफुल हो आपके लिए, हम लोग इस चैनल पर शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो, जैसे कि आपको पहले बताया, इसका जो प्राइस रखा गया है डाइवो का 15 इंच 4K UHD टीवी का 43,999 यानी 44,000। स्क्रीन साइज जैसे कि बताया आपको 15 स्क्रीन साइज। अगर यहाँ पर ऑडियो का बात करें तो 20 वाट ऑडियो वाटेज आपको देखने को मिलेगा, साउंड टेक्नोलॉजी आपको डल्बी, स्पीकर टाइप आपको बॉक्स। नेक्स्ट अगर बात करें आपको डिस्प्ले और वीडियो में, तो इसमें आपको डिस्प्ले टाइप DLED लिखा गया है, DLED आपको देखने को मिलता है। रेजोल्यूशन आपको 4K 3840x2160। पैनल यहाँ पर आपको यूज किया गया है VA, जी हाँ यहाँ पर आपको VA पैनल देखने को मिलता है। मैं ऑलरेडी इनका जो है कस्टमर केयर यूनिट से मेरा बात हुआ है, मैं ये बात को दोबारा कन्फर्मेशन किया है, यहाँ पर आपको VA पैनल देखने को मिलता है डाइवो का 40 इंच 4K UHD स्मार्ट LED टीवी पर VA पैनल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पैनल के अंदर में अगर आप स्पेसिफिकेशन जाएंगे तो आपको यहाँ पर A+ ग्रेड पैनल बोल के लिखा गया है, लेकिन VA और IPS मेंशन नहीं किया गया था। सो मैं इसको, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं फिर फोन करके कंफर्म कराया कि हाँ यस, इसमें VA पैनल आपको देखने को मिलता है। ब्राइटनेस और नीट्स अगर बात करें तो आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि ब्राइटनेस इन नीट्स बताइए, तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस इन नीट्स 400 ब्राइटनेस इन नीट्स आपको इस टीवी पर देखने को मिलेगा। अगर सपोर्ट का बात करें तो HDR10 HLG सपोर्ट इसमें करेगा आपको वीडियो के अंदर में, इमेज के अंदर में। इमेज एस्पेक्ट रेशियो का अगर बात करें तो 16:9 और रिफ्रेश रेट का अगर बात करें तो 60Hz आपको ये रिफ्रेश रेट इस टीवी पर देखने को मिलेगा। अगर रिमोट का बात करें तो जैसे कि स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहा, ये है आपको मैजिक रिमोट जो है बॉक्स का अंदर में आपको इंक्लूड मिलेगा, जो कि एक अच्छा लगा क्योंकि LG का अगर टीवी लेते हैं तो मैजिक रिमोट आपको एक्स्ट्रा बाय करना पड़ता है, लेकिन इस टीवी पर आपको मैजिक रिमोट विद इन द सेल्स के पैकेज के अंदर में आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर रिमोट को आप गौर करेंगे, स्क्रीन के ऊपर मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप क्विक एक्सेस बटन को आप सेट कर सकते हो नंबरिंग के हिसाब से। बट एक चीज़ मेरे को लगा कि वो सेट करने से ऐसा है कि अगर यहाँ पर मैजिक रिमोट का ऊपर में अगर एक हॉटकी मिल जाता यूट्यूब का तो थोड़ा मजा आ जाता, हालांकि आप उसमें सेट कर सकते हो, बट फिजिकल अगर बटन रहने से हॉटकी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हालांकि रिमोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसका पोर्ट्स और कनेक्टिविटी फीचर के अंदर में, आपको 2 USB पोर्ट आपको 2.0 देखने को मिलता है, प्लस आपको HDMI आपको 3 देखने को मिलेगा, वाईफाई आपको डुअल बैंड वाईफाई प्रोवाइड किया जा रहा है, मीरा कास्ट आप कर सकते हो, यूनिवर्सल रिमोट है, आप मल्टीपल डिवाइस को एक रिमोट में कंट्रोलिंग कर सकते हो, सो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिमोट। और उसमें बोल ThinkQ AI का एप्लीकेशन का थ्रू से भी आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टीवी के साथ कनेक्ट करके आप उसमें कमांड दे सकते हो, ठीक है। और अदर कनेक्टिविटी फीचर का अगर बात करें तो इथरनेट, ऑप्टिकल आउट, ईयरफोन आउट, RF in, AV in, जी हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ईयरफोन एक पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर नेक्स्ट का बात करें प्रोसेसर रैम रोम का, तो इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है ARM का CA55 1.1 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में क्वाड कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक्स प्रोसेसर का अगर बात करें तो G31MP2 700MHz में इसमें काम करेगा और MEMC 4K सपोर्ट आपको 60Hz के साथ में देखने को मिलता है। अगर रैम का बात करें तो 1.5 GB है और रोम का बात करें तो 8 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज रोम आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको WebOS टीवी का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपको इस टीवी पर देखने को मिलेगा। सो आप इस टीवी पर आपको गूगल प्ले स्टोर नजर नहीं आएगा, मैं दोबारा आपको क्लैरिटी के साथ बोल दे रहा हूँ कि इस टीवी पर आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। हालांकि उतना भी WebOS टीवी आपको खराब नहीं है, आप अगर सोच रहे कि गूगल ही एंड्रॉइड ही एक टीवी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। आप इसका थोड़ा सा आपको नेविगेट करने का जो मेन्यूस होता है, अगर UI थोड़ा अलग टाइप का होता है, ओबियसली एंड्रॉइड थोड़ा अलग है, बट मिनिमम जो एप्लीकेशन है आपको
वो आपको इस टीवी पर देखने को मिल जाएगा। सो आपको सोचने की ऐसा जरूरत नहीं कि गूगल का प्ले स्टोर नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एप्लीकेशन मिलेगा आपको, जो मिनिमम एप्लीकेशन वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो नो नीड टू बदर अबाउट इट। अगर नेक्स्ट बात करें, आपको इसमें बेजललेस डिजाइन आपको देखने को मिलता है और मॉडल जो है जैसे कि आप स्क्रीन में ऊपर में देख ले रहे हो। और स्मार्ट फीचर का बात करें तो मैजिक रिमोट आपको मिल रहा है, थिंक AIQ, वॉइस फंक्शन, पर्सनली पिक्चर एंड साउंड कर सकते हो आप। और साउंड का अंदर में आपको अलग अलग इसमें आप अगर मोड करते तो उसमें ज़्यादा कुछ मोड आपको देखने को नहीं मिलता है। प्लस इसमें आपको नेट वेट का अगर बात करें तो इसमें 9.4 kg, जी हाँ बिलो लेस देन 10 kg नेट वेट है। बट अगर ग्रॉस वेट का बात करें तो 14 kg इसमें ग्रॉस वेट है। आपको सेल्स का पैकेज के अंदर में आपको वॉल माउंट टेबल माउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, वारंटी कार्ड और रिमोट का बैटरी और जो मेन कंटेंट टीवी और पावर सप्लाई कार्ड, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। सो आपको वॉल माउंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जा रहा है, नॉट यू मीन्स आप लोग को पेमेंट करना नहीं पड़ेगा अलग से। सो आपके लिए अभी एक चीज़ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में देख ले रहा हूँ, इस टीवी का अंदर में सब कुछ बताया गया, ब्राइटनेस बताया गया, VA पैनल बताया गया, सब कुछ बता दिया गया। लेकिन एक चीज़ आप अगर इसमें गौर करेंगे, एक चीज़ जो है कंपनी का स्पेसिफिकेशन का अंदर में ये मिसिंग है कि इसमें AC इनपुट पावर रेंज कितना है, जो मेरा नोटिस में आया, इसीलिए मैं आपके साथ फ्रैंकली शेयर कर रहा हूँ। इसका अंदर में ये नहीं लिखा गया है कि इसका AC इनपुट पावर रेंज कितना है। तो इस चीज़ को लेकर मैं ऑलरेडी अभी इनका केयर यूनिट से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कनेक्ट करने के लिए। अगर वो चीज़ पता चली जाता तो मैं कमेंट में ज़रूर बता दूंगा, बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें AC इनपुट रेंज कितना है। हालांकि इतना भी मैटर नहीं करता है, बट फिर भी एक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। सो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा जब कनेक्ट हो जाता है। अब आपको बात करता है कि इस टीवी को बाय करना है या नहीं करना है। आज का डेट में इस टीवी को बाय करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, मैं आपको जो भी, जैसे कि वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था, जो भी प्रोडक्ट हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ वो फ्री एंड फ्रैंक और एक्यूरेट और यूजफुल हो। सो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि इस टीवी पर जो है, आप अगर, मैं जितना स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ के सुना है, अगर इस टीवी पर आप अगर ध्यान से गौर करेंगे तो इतना कुछ, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कुछ एकदम इंटरेस्टिंग खास फीचर है सो दैट आप इस टीवी को बाय कर लोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अगर आप 43,000 यानी 44,000 नॉट 43,000, सो अगर आप 44,000 इस टीवी को परचेज करने के लिए सोच रहे तो आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे हैं। जी हाँ, LG का ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो, इसी मॉडल आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस टीवी के लिए डाइवो का 15-inch 4K UHD के लिए सोच रहे हो, तो उसको छोड़ के बेटर है आप इसके साथ चला जाइए। किस लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, उसका रीज़न नंबर वन है पिक्चर क्वालिटी, LG का आपको मालूम है। नंबर टू, क्विक कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स, जो लार्जर अप्लायंस के लिए बिग रोल प्ले करता है। सो ये दो रीज़न के लिए मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप LG का ये 2019 मॉडल को होने के बाद भी मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ, नॉट डाइवो, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगा। हो सकता है किसी को अच्छा लगे हो, बट इसमें ऐसा कुछ फीचर आप अगर ध्यान से गौर करेंगे, जैसे कि बताया, ऐसा कुछ है नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा अपडेट हमारा पसंद आया होगा। तो वीडियो का स्टार्ट में जैसे आपको बताया था, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें सो दैट हमारा चैनल को सपोर्ट हो जाएगा, हमें और वीडियो बनाने में एनर्जी मिलेगा और एनकरेज मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।